我妹，别接！我妹，我老婆呀！ हाय, मेरा नाम है ओम और मेरे साथ हैं क्या नाम पहली बार असोक भाई और आज हम ना लाइक नीचे से ऊपर आने में हमें 4 घंटे लग गए। बहुत ढूंढते ढूंढते नहीं, मतलब ऊंचाई पे चढ़ते चढ़ते जंगलों के बीच से सिटी दिख रही होगी, लाइट वहां से वो लाइट दिख रही होगी ना, वहां से गाड़ी खड़ी करके यहां तक पैदल आए, 4 घंटे लगे और यहाँ पे आना मतलब अकेले तो पॉसिबल था ही नहीं। ना सुखा के अभी हाँ। हम इंटर चालू किया है तो मैंने कहा कि अशोक भाई मेरे साथ चलो, चलते हैं। और यहाँ के जो जगह है राजा ने बनाया था, जो राजा लोग थे ना, थोड़ा कैमरा ऊपर करना हाँ, जो राजा लोग थे ना उनको शिकार करने का बहुत शौक था। आज के टाइम थोड़ा सा ना भाई इसके बारे में बताता हूँ, है ना, क्योंकि मैं आपको लेके आया ना। तो यार अभी मैं हूँ अपने होम टाउन में, जो अजमेर के पास में किशनगढ़ है जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ का जो राजा था वो कुछ दिन बाद वो मेरा भी होम टाउन होने वाला है बिल्कुल तो यार है ना वहाँ के जो ओमाई राजा थे ना वो शिकार के बड़े शौकीन थे पहले के सब। हाँ, तो वो क्या है कि उन्होंने अपने शिकार के शौक के लिए ना एक शिकार का बनाया था जिसका नाम है नारोड़ाव। ठीक है, यहाँ हमने ऑलरेडी विजिट किया है, भाई के साथ में भी आया हूँ। अभी भाई थोड़ा व्यस्त है अपने काम में, हाँ। फीमेल में, तो ओ मैंने बोला कि यार कोई बात नहीं, वो बिजी है, आप चलो मेरे साथ में। तो बाकी है भाई, तो अशोक भाई आए और कहते हैं कि यहाँ पे एक शिकार घर है जहाँ पे लगते राजा लोग ना महल से हट के अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए आके शिकार करते थे। उनके जो थे लाइक सैनिक वैनिक को बनाते थे, वही खाना वाना और मंदिर वंदिर जो भी उनका सही होता जो भी वो वहाँ पे करते थे। कहते हैं वहाँ पे क्या हुआ था उसके पीछे नहीं पता, जैसे लोग जो वन विभाग के लोग हैं और बाकी जो लोग घूमने हैं ना उनको वहाँ पे सरकटा भूत दिखा दिन के टाइम पे। बिल्कुल, मतलब सरकटा भूत मतलब कि उस इंसान का ना जो भी वो दिखता है उसका सर नहीं है। अब यार इसके पीछे के बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं, कि हो सकता है गुस्से में राजा ने मार दिया हो या हमला हो गया हो किसी दूसरी। राजा लोग जो थे ना उनको कोई दिक्कत, अगर पानी भी लाइक पानी कम पड़ गया ना तो पानी की व्यवस्था क्यों नहीं, इसका सर कलम करो। हाँ बस ये अजीब सी आवाज, जानवर हो सकते हैं, पूरा जंगल है। और यार हम है ना काफी ऊंचाई पे है क्योंकि पीछे की लाइटें देख के आपको लग रहा होगा कि यार समझ जाओ एक बारी कि कितनी ऊंचाई पर ऊंचाई पे। और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं उस जगह के पास और थोड़ी बातें और करनी है आप लोगों से, हम उसके पास चल के करेंगे। थोड़ी ना जरूरी बात है सुनना उसको, मैंने आज तक की बातें अपने YouTube लाइव में मैंने ये सब बातें नहीं की, बट आज करनी बहुत जरूरी है, करेंगे वो बातें। तो वहाँ चल के करते हैं, वहाँ चल के करते हैं। तो ध्यान से आना भाई, आधे आधे लगे हुए चढ़ाए ये जगह, ये देखा आपको ये लाइक ये किले के अधीन है, ये ओमाई ना उसकी नहीं है, फॉरेस्ट की नहीं है, ये किले वाले की, किले वाले के अच्छा है, मतलब फॉरेस्ट वालों ने सीमावत किया है इसको। हाँ, ये किले की जमीन है, ये बाउंड्री लगा दी गई है। अभी जो काम में है क्या ये ओमाई, ये है वो जगह, तो एक बार कैमरे पे दिखाना, ये है वो शिकार ग्रह जहाँ पे राजा लाइक थोड़ा और पास चलते हैं, थोड़ा झाड़ियाँ हो गई हैं। हाँ, और यहाँ पे जानवर जानवर की पोटी पड़ी है, तो देखो जानवर यहाँ पे आते हैं, देखो वहाँ करने के बाद नीचे, वहाँ देखो यहाँ देखो ओमाई, यहाँ पे है ना आपको बता दूँ पैंथर और भालू, भालू और नीलगाय वगैरह, नीलगाय नीलगाय तो चल देख के भाग जाती है, बट लकड़बग्गे और भालू और पैंथर कुछ अभी लाइक 2 महीने पहले की वो स्टोरी है, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, वो अकबर न्यूज में पूरी स्टोरी आ रही थी कि पैंथर लाइक लोगों को मार रहा है यहाँ की जगह पे। तो लोग ये लोग भी ना घर से बाहर नहीं आ रहे थे, जंगलों की तरफ नहीं आ रहे, हम नहीं आते, इनका तो होम टाउन है बट फिर भी नहीं आ रहे थे यहाँ इस तरफ। तो फिलहाल थोड़ी सी और दिखा रहे आपको, थोड़ा दिख रहा है, चलो ऊपर चलते हैं, जो जरूरी बात है ऊपर चल के करते हैं। यहाँ से भी है, क्या फिलहाल ये क्या ना भाई, और जो सीढ़ियाँ हैं ना इस तरफ से भी है, दोनों तरफ से है। जो जब उस टाइम जब राजा ने बनवाया होगा तो ये झाड़ियाँ पहाड़ियाँ पास में नहीं होगी, जो झाड़ियाँ साफ सफाई होंगी, लाइक राजा ने किसी को तो रख दिया होगा। जो भूल भटियारी का महल है ना, भूल भटियारी का वो सेम ऐसा ही है, वो भी तो शिकार ग्रह ही है, शिकार ग्रह है वो भी शिकार ग्रह,
वो तो किसी भूले बटे जो भूली एक मिनट क्या जगह बड़ी डरावनी है अजीब सी है। हाँ तो एक बात मैं कहना चाहूँगा मैं कह देता हूँ मैं कह रहा हूँ लोकेशन दिखाते हैं आपको सबसे पहले मैं डायरेक्टर भी कह सकता पर मैं वीडियो में कहना अच्छा सोचा ये वो जगह है जहाँ ऐसे मान सकते हो कि जो रेस्ट रूम बोल सकते हैं इसको राजा का जहाँ वो रेस्ट करता होगा या रुकता होगा या बैठता होगा। यहाँ पे कुछ ये जो जगह दिखी है कुछ लोगों ने लाइक खाना बनाया क्या ओम भाई एक मैं चीज़ अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था दोस्तों कि कुछ लोग पार्टी करने के लिए आए थे अब पता नहीं उन्होंने ये बनाया या और उनके साथ में ना मतलब कह रहे कि वो या ड्रिंक कर रहे थे मुंबई और या ऑरेंज भी बना रहे थे यहाँ पे तो उनको ना उनके साथ में इंसिडेंट एक बंदे नीचे गिर गया मर गया। अच्छा एक बार नीचे अगर बंदा गया ना तो वो कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता उसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ पार्टी करने आते हैं उन पे जंगली जानवर भी हमला कर देते हैं। अच्छा मेरे पे बस समझ नहीं आया यार असम भाई जो शिकार करे तो यहाँ पे तीर वाले निशान ये तो जहाँ पे होता था जहाँ पे कोई हमला ना करे जैसे वो भाई ना अभी आपने बात कर रखी थी यार ऐसा कर रहा है वैसे कर रहा है जैसे अपने गुरु में कुछ जैचन है ना उस टाइम के जैचन भी जैचन मतलब राजा यहाँ पे रुका पड़ा कोई हमला करने आ जाए इसलिए हमला मतलब कि कुछ लोग जो साथ में रहकर ये दगा करते हैं ना कुछ ऐसे लोग थे वो इन्फॉर्म करते थे दुश्मन से ना वो अच्छा कि राजा यहाँ राजा यहाँ पे आया हुआ है तो आप हमला कर सकते हो उन्होंने पूरी सेफ्टी से बना रखा है इसको। देखो जैसे मैं अगर शिकार करे ये पूरा अपना रखे तीर चलाने के लिए ये रहा भाले चलाने के लिए तीर चलाने के लिए ये रहा ऐसे ऐसी चीजें बना रखे हैं और यहाँ पे चीज देखो सुबह इसके कुछ रंग वंग लगे हुए हैं तो समझ जाओ कि यार कैसी जगह देखो यहाँ पे सोना वाला निकालने के लिए यहाँ पे पूजा पाठ कर ऐसी जगह पे दासियां छुपाते थे ये रोशनी के लिए यहाँ पे दीपक या मशाल रखते थे इसमें तो दीपक होता शायद ये जगह होगी यहाँ से लेकिन यहाँ से भी है पूरा हमला करने का लाइक सारा व्यू नजर आए किसी भी तरफ भाई अंदर आ जाओ थोड़ा सा नहीं ये वॉशरूम का नहीं हो भाई ये कुछ और मेरे को लग रहा है क्या होता है कुछ चिमनी टाइप का है और कुछ सर मेरे को पता है ये जो गड्ढा लग रहा है ना तो यहाँ पे वॉशरूम होगा हाँ मेरे को भी ये लग रहा है क्योंकि वॉशरूम भी तो वही ये जो है ना ये थी ना हाँ, ये पर हाँ। क्या वो वही गाँव में होते थे दीपक व्यूपक किया और कुछ कैमरा बार करना है लेकिन यहाँ पे खुला खुला पता नहीं यहाँ पे ना कसम से कुछ एक वाइट सा यार मेरे को क्लियर नजर नहीं आया पर कुछ क्रॉस हुआ था कसम से यहाँ से और यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई कौन पता किसने कौन आता रात को यहाँ पे ओम भाई मैं सर बताऊँ ना ये जगह ऐसी जगह इस जगह है ना क्या दिन में भी कोई नहीं आएगा पर ओम भाई क्या ना यहाँ से कुछ लगा मेरे को ये लकड़ियाँ रखी हुई पूरे में खाना वाना लाओ ऊपर चलते हैं तो एक बार यार उस तरफ दिखाने के बाद अगर आपको पूरी सिटी दिख रही हो वहाँ से तो आप चलते हैं छत पे तो यार बहुत हवा चल रही है पूरे पहाड़ है पूरे पहाड़ इस तरफ तो कुछ दिख रहा होगा पूरे लाइक कोई एक लाइट तक नहीं दिख रही होगी ब्लैक ब्लैक सा पूरा अंधेरा ये लाइक ना पहाड़ 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 पूरे पहाड़ है यहाँ पे जानवर खतरा बहुत ज़्यादा है फिर चलते हैं नीचे की तरफ आ जाओ ठंड लगी ऊपर ठंड लग रही है हवा चल रही बहुत जोर की
सर्विस बंदा भाई। ओए ओ भाई ओ खुदा पर गया। ओए भाई 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 नीचे 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 यार पीछे कर पीछे कर पीछे कर पीछे कर सवाल हमसे हमसे सेम कुछ था क्या? अरे यार यार मेरे को दिखा यार रियल में मेरे साथ सही में हाँ ओम भाई यार आपने कहा क्या मेरे मेरे ना कुछ खड़ा था वाइट वाइट कसम परछाई सी लगी थी कुछ मैंने बोला था यार वहाँ से कसम से लास्ट टाइम मेरे को लगा मेरे को मतलब है ना धोखा हुआ जी तो भाई आपको दिखा मैं क्या मेरे को क्या पिक्चर हुआ था भाई जो लोग कहते हैं ना अशोक भाई मुंबई कसम से है ना इतनी देर में मतलब बिल्कुल ऐसा था कि यार कोई बात हाँ पर अब डर सा लग रहा है यार अभी तक हम बातें बातें कर बट लोग कहते हैं वो कहीं ना कहीं सच है पर मैं पीछे रहने कैमरा वो कहीं ना कहीं तो सच है कौन है सोचिए को सोचिए एक मिनट सोचिए क्या हो गया ठीक ही लग रहा है यार तो कुछ नहीं है इसके अंदर दिखा रहे इसके अंदर कुछ नहीं है चलो बाहर चलते हैं आसान बाहर नहीं करो ठीक नहीं लग रहा यार अगर कोई चीज होती तो यार वो तो गायब होती ना भाई कोई दवा नहीं जहाँ इसमें कहना कहना ये डर के मारे मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ ओ माय पीछे 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 देखो देखा आपने क्या रुपया क्या रुपया है हाँ एक मिनट उसके साइड नहीं होते यहाँ से कूदा जस्ट है हाँ जीतू भाई पीछे यार इतने नीचे कैसे कूद सकता है कोई झाड़िया है मुंबई को जानवर नहीं कूदेगा यहाँ से तो अरे देखो ना इतनी ऊंचाई से जो चीजें इतनी ऊंचाई से गायब हो रही यार कौन सी जगह है मुंबई लास्ट टाइम हम आए थे ना तब भी ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ मेरे को लगा था अब तो ना सब कुछ चेंज हो गया हुआ यहाँ पे पर उसको देखने के बाद कैसे लग रहा है कि यार एक चीज नहीं है दो है वहां पे दो है वहां पे ये लग रहा है वहां पे ना जो भी है भूत है कोई डराने के लिए कर रहा है इतनी ठंड लग रही थी मेरे को पसीने हो रहा है हाँ जो भी चीज़ है वो दो चीज़ें हैं यार हम नहीं घुसेंगे यार इसकी यार पता है क्या हम सिर्फ और सिर्फ तीन लोग हैं वहाँ पे दो दो चीज़ें तो हैं पीछे कर यार कैमरा पीछे कर कैमरा भाई क्या हो
गेट के पास देख रहा है तुम्हारे गेट के पास करो यार, दिख रहा है गेट के पास, वो आवाज ही कर रहा है, चीज आवाज कर रही है यार। पता क्या फिलहाल ना ओ फूल ऊपर करो ओ यार फटा इधर लाइट भाई भाई निको फाइल लाइट लाइट दो आजा दो इतना बड़ा पत्थर इस बगल से क्या है, उधर करो लाइट उधर करो भाई, यहाँ पे ना चाहे भूत है चाहे जो भी है, अगर वो पत्थर ना जीतू भाई के सर पे लग जाता ना तो बचना मुश्किल था यार। ओ भाई लेके कैसे जाएंगे भाई, इस वीडियो को मेहनत कर रखते हैं यार। फिलहाल मैं वो देखो गेट के पास वहाँ पे जूम वाइट वाइट सा भाई, हाँ वो करता हूँ जूम करो वाइट वाइट दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल क्लियर। अरे यार बैक करो भाई, देखो भूत है चाहे जो भी है, अगर वो पत्थर ना सर पे लगता ना भाई के सर पे तो बचना मुश्किल था यार। फिलहाल हम यहाँ से फटाफट निकल रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बंद करो यार।